यही साइकिल का मोटर होता है, ठीक है। आप लोगों का बहुत बड़ा सवाल होता है कि ये टू इन वन साइकिल है, टू इन वन हुआ कैसा? देखिए ये पैडिंग है इसका, ठीक है। देखिए ऐसे पकड़ो साइकिल, देखिए ये इसका, देखिए इस प्रकार का पैडल है, ये पैडल से चलता है, ठीक है। पैडल से भी चलता है और इस मोटर से भी चलता है। तो एक फ्री बॉल इधर लगा हुआ है, ब्रेक लो, देखिए ब्रेक लेने पर इसका बैक लाइट भी जलता है, ठीक है। एक फ्री बॉल आपका यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हैं, और एक फ्री बॉल यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें दो फ्री बॉल लगा हुआ है और आप सोचते हैं कि हम में गुना एक ही तरफ हो जाता है। इसके वीडियो में हम बता देंगे, अगला वीडियो बनाएंगे तो कैसे सेटिंग करना है आपको। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को हम बहुत ही बड़े चीज़ यानी कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाने वाले हैं। आज के वीडियो में आप लोग को हम एक इलेक्ट्रिक साइकिल का रिव्यू देने वाले हैं जो कि हम खुद से अपने सेटिंग करके कस के इसको बनाए हैं। तो बहुत सारे आदमी के मन में सवाल होता है कि साइकिल के बारे में कि कितना दूर चलता है, इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसे मोटर कैसे कसते हैं, ये मोटर कहाँ से खरीदते हैं, ये कितना वोल्ट का मोटर होता है, इसमें कितना वोल्ट का बैटरी लगा है, कितना बैटरी लगा है, इसमें क्या होता है, सारा कुछ आपको हम दिखाएंगे। वीडियो में आप बने रहें, हम एक एक करके आपको पूरा चीज़ दिखाने वाले हैं। देखिए ये हम बहुत बड़े ग्राउंड में आ चुके हैं, बैक में दिखा थोड़ा, ठीक है। देखिए हम बहुत बड़े ग्राउंड में आ चुके हैं, ये इतना बड़ा ग्राउंड है कि एक समय में या कभी कभी यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री भी आया करते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में हम आ चुके हैं ये साइकिल के लेके कैमरामैन के साथ आपको साइकिल दिखाने के लिए। ये बहुत बेहतरीन साइकिल है, इसमें अभी कुछ काम बाकी है, हो जाने का फिर आपको हम दिखाएंगे, अभी इतना दिखा रहे हैं। कैमरामैन पास आओ। देखिए तो हमने फ्रंट से आपको दिखा दिया, देखिए यही साइकिल का मोटर होता है, ठीक है। आप लोगों का बहुत बड़ा सवाल होता है कि ये टू इन वन साइकिल है, टू इन वन हुआ कैसा? देखिए ये पैडल है इसका, ठीक है। देखिए ऐसे पकड़ो साइकिल के, देखिए ये इसका, देखिए इस प्रकार का पैडल है, ये पैडल से चलता है, ठीक है। पैडल से भी चलता है और इस मोटर से भी चलता है। तो एक फ्री बॉल इधर लगा हुआ है, ब्रेक लो, देखिए ब्रेक लेने पर इसका बैक लाइट भी जलता है, ठीक है। एक फ्री बॉल आपका यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हैं, और एक फ्री बॉल यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें दो फ्री बॉल लगा हुआ है और आप सोचते हैं कि हम में गुना एक ही तरफ हो जाता है। इसके वीडियो में हम बता देंगे, अगला वीडियो बनाएंगे तो कैसे सेटिंग करना है आपको। इस वीडियो में सिर्फ इसके बारे में आपको समझाने वाले हैं। देखिए इसका एक की लॉक है, देख सकते हैं, यहाँ पर हम पूरा अपना बनाए हुए हैं। एक की लॉक है, इसका चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से ऑन ऑफ होता है साइकिल। और देखिए यहाँ पे इसका जो है ये एक्सीलेटर हुआ, ठीक है। देखिए एक्सीलेटर है, जैसे इसको ऐंठेंगे ये चक्का घूमने लगेगा, ठीक है। ये पी बजाने वाला स्विच लगा दिए हैं, इसका इंडिकेटर है कि कितना चार्ज है, नहीं है दिखाएगा। और इसका हम अगर अपना हिसाब से हम लाइट लगा दिए हैं, ये जो बाइक में लगता है, देखिए जल रहा है लाइट, इसका बहुत अधिक देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये साइकिल है और इस लाइट को हम ऑफ कर देते हैं। देखिए थोड़ा सा ऐठना, तो दूर से दिखा रहे हैं, देखिए इस प्रकार से ऐठता है वहाँ से। देखिए तो चक्का किस प्रकार से घूमता है इसका, ठीक है। देखिए इसका मोटर का गति, देखिए इस प्रकार से ये चलता है। आपको रुका हुआ वीडियो में दिख रहा होगा, लेकिन रुका हुआ नहीं है, ठीक है, चलो रोक दो। देखिए इसमें एक और फीचर है कि अब जैसे ही ब्रेक दबाएंगे तो आपका इसमें तीन काम होता है। ब्रेक दबाने पर इसमें तीन काम होता है। फर्स्ट काम ये होता है कि आपका बैक लाइट बढ़ता है, जिससे कि आप रोड पर चलिएगा, आप ब्रेक लीजिएगा तो अगले गाड़ी वालों को पता चलेगा कि आपने ब्रेक लिया है, वो गाड़ी स्लो कर लेंगे, क्योंकि अब गाड़ी में गिनती हो चुका है, ठीक है, अब साइकिल नहीं रहा। दूसरा काम क्या होता है कि इसका चक्का में ब्रेक लगता है। तीसरा काम होता है कि इसका मोटर का भी लाइन कट जाता है, इस कारण से जल्दी ब्रेक लगता है, फास्ट ब्रेक लगता है। तो इस प्रकार से साइकिल बन चुका है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, हमने बताया बहुत बेहतरीन तरीका से। आप लोग वीडियो में रहे, आगे आपको बहुत कुछ हम दिखाने वाले हैं। इस प्रकार से इस पर हम बहुत कुछ लिखे हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसको और बेहतरीन तरीके से बनाने का हमने प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द ही बना के आप लोगों को दिखाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोई सवाल आपका होगा, हाँ, इसका प्राइस वाइस और कितना कितना है, इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। देखिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये मोटर जो है आपका ये 250 वाट 24 वोल्ट डीसी मोटर है और इसको पीएमडीसी बोलते हैं। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है, यूट्यूब पर बकरे रखते हैं कि ये हब मोटर, ये हब मोटर नहीं है, ये पीएमडीसी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है, 24 वोल्ट का गियर मोटर है। इसमें गियर लगा होता है, जिससे क्या होता है कि स्पीड को कम करता है, इसका ताकत बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका एक कंट्रोल सिस्टम, इसमें इसका कंट्रोलर होता है, ये इसका की लॉक है, ठीक है। इसमें आपका हम चार बैटरी लगाए हुए हैं, जो आपके स्प्रे मशीन देखे होंगे एस यूपीएस, उसमें जो बैटरी होता है उस तरह के हम चार बैटरी लगाए हुए हैं। उसका कनेक्शन इस तरह से किए हैं कि वो 24 वोल्ट ही बनाए और चारों का यूज हो, उस तरह से इसका कनेक्शन है। सीरीज पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, आगे की वीडियो आपको बता देंगे। इस प्रकार से इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन हुआ। इसका चार्जर है, चार्जर यहाँ पे नहीं है, सिर्फ चार्जिंग पिन है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम चला के आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये चलता है। जैसे इसको हम ऐठेंगे, थोड़ा एक्सीलेटर है, ठीक है, जैसे हल्का सा ऐठेंगे, यहाँ देखिए इसका चक्का चलने लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ एक्सीलेटर ऐठते हैं, चक्का इसका चलने लगता है इस प्रकार से। तो इसको हम चला के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहे, पूरा वीडियो देखें। और भी कमेंट हो और सवाल हो तो आप कमेंट में लिखें, आपको हम रिप्लाई ज़रूर देंगे।
देखिए ये इलेक्ट्रिक साइकिल का ये वाला जो है इसको एक्सेलेटर बोलते हैं, इसको आप जैसे हटिएगा आपका साइकिल आगे भागता है। और ये हाथ बगल ये देखते हैं जिसको आप ब्रेक बोलते हैं, इसमें तीन काम करता है। ये इसका क्लच भी है, जो भी बाइक में आप क्लच देखते हैं इसका क्लच यही ब्रेक है, पिछला ब्रेक आपका क्लच भी है। आपको दिखाते हैं क्लच कैसे काम करता है। इधर आइए कैमरा मैन, आप तो ये नहीं चलेगा ठीक है। जैसे इसको बैठे हुए हैं ये, हम क्लच ब्रेक को छोड़ेंगे एक गाड़ी चलने लगती है, इस प्रकार चल रही है। जैसे हम ब्रेक लेंगे तो दोनों काम होता है ठीक है। देखिए किस प्रकार से ब्रेक लेने पर बैक लाइट भी जलता है, आपको हम चला के दिखाते हैं थोड़ा ठीक है। कैमरामैन पूरा वीडियो दिखाइएगा आप। देखिए इस प्रकार से इसको हम स्टार्ट करते हैं, बैठते हैं और पैडल भी है, सबसे बड़ी बात यह है पैडल भी है, पैडल से भी चला सकते हैं आप। बैटरी जब आपका डाउन हो जाएगा तो पैडल से भी चला सकते हैं। तो इसको हम पहले चला के दिखाते हैं बैटरी से ठीक है। तो इसको हम देखिए यहाँ से सिस्टम इसका ऑन ऑफ होता है, इसका चाबी है, इसको इसमें लगाते हैं ठीक है। इसको जैसे ही ऑन करते हैं और ये ऐठते हैं चलने, देखिए इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से चलता है ठीक है ना। इसको रोकना है तो कुछ नहीं करना है, आपको ब्रेक लेना है, एक्सेलेरेटर को छोड़ देना है, गाड़ी आपका रुक जाएगा ठीक है। बहुत लोग का सवाल होता है कितना स्पीड चलता है, दोस्तों ये चलता है 30 की स्पीड चलेगा ठीक है। और कितना दूर जाएगा ये आपका बैटरी पर निर्भर करता है, बैटरी कैसा लगाते हैं। हमने इसमें नॉर्मल बैटरी लगाए हुए हैं जिससे चलता है अभी 20 से 25-30 किलोमीटर तक चल जाता है ठीक है। बढ़िया चलता है, 20 और 30 तक जाएगा तो थोड़ा स्लो स्लो जाता है। तो इस प्रकार से चलता है, इसका कीमत क्या है क्या नहीं है और कैसे इसको कसते हैं, बहुत जल्दी आप लोग के लिए वीडियो लेके आएंगे कैसे इसको बनाते हैं और इसका प्राइस क्या है और कहाँ से खरीदे इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप खरीद लीजिएगा। और कैसे कसते हैं आप जल्दी वीडियो आपके लिए हम लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। देखिए लोड टैन की क्षमता आप कहिएगा ठीक है। तो इस पर आपको जो है ना 1 क्विंटल 20 किलो मोटर की क्षमता है ठीक है। और इस पर हम 3-3 आदमी बैठ के घूमते हैं, आपको भी हम 2 आदमी बैठ के घूम के दिखाएंगे, विश्वास नहीं तो देखिए कैसे घूमता है। सियाना दी बैठे हैं, बैठो नहीं कुछ भी नहीं। अरे भाई आप 2-3 बैठ के घूम सकते हैं, लेकिन 1 क्विंटल 20 किलो टालना है मतलब 2 आदमी। देखिए इस वजह को हमको एक बच्चा मिल गया है जिसको हम बैठा लिया है ठीक है। सियाना तो नहीं मिला, देखिए किस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होता है, मोटर से ही चल पाता। देखिए इस प्रकार से चलता है, कोई दिक्कत नहीं चलाने में, देख लिए। और हम क्लियर को भी खाली रखे हैं, बहुत आदमी जो होता है ना ज्ञानी आदमी वो अपना ज्ञान देने लगते हैं कि बैटरी को क्लियर पर रख दीजिए। भाई बताइए क्लियर पर रख देंगे तो फिर आदमी बैठेगा कहाँ, इस पर सामान कैसे लाद किया जाएगा। और हमने इसे देसी साइकिल में सेट किया है, कंपनी लोग रेंजर में कर देते हैं और दे देते हैं, उस पर उतना सामान ढोवाता नहीं है। तो उधर रेलवे लाइन छोड़ भी है, ट्रेन आ चुकी है, वीडियो को हम दो इंट करते हैं, चलो सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक लाइक कीजिएगा। एक बार ट्रेन को रेलवे लाइन छोड़ कर देखा।